प्यारी प्यारी किसी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं आ गई हूँ न्यू टिप्स के साथ, अपना वेट कैसे कंट्रोल करें। उफ, बड़ी मुश्किल बात है, यहाँ पर ताला लगाना पड़ता है। जब भी आपको वेट कंट्रोल करना है ना, तो मस्ट यहाँ पर लॉक लगा लें और चाबी कहीं इधर उधर फेंक दें। लेकिन ऐसा नामुमकिन, ऐसा हो नहीं सकता। तो आज जो है ना, मैं आपको वेट लूज की टिप्स बताऊंगी, विदाउट एक्सरसाइज किए हुए, विदाउट जिम जाए हुए, कि आप घर में बैठ के अपना वेट कैसे लूज कर सकती हैं। सिर्फ थोड़ी सी ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, उन पर अमल कर लो यार। वेट ना लूज़ हुआ ना, तो फिर कहना ये सुस्ती वुस्ती छोड़ दो। कर सकते हैं, लेकिन कभी इस चीज़ पे डाल देते हैं, कभी इस काम पे डाल देते हैं और बच के निकल जाते हैं। फिर ब्लेम करते हैं कि हमारे पास तो टाइम नहीं होता, हम कैसे करेंगे। चलो जिम जाने का टाइम नहीं है, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, लेकिन इन छोटी छोटी सी टिप्स और ट्रिक्स पर अमल कर लो। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ, एक महीने में 5 kg लूज़ ना हुआ तो मेरा नाम बदल देना, क्योंकि ये सब कुछ मैंने खुद किया हुआ है। मैं खुद इतनी परेशान हो गई थी, मेरा एकदम से वेट बढ़ गया था, 80 kg पे चली गई थी। मैं आपको अपनी पिक्चर शेयर करूँगी, तो आप लोग भी देख के हैरान हो जाएंगे। ये गोला बन गई थी मैं, बम का गोला। तो फिर जो है ना, बस मेरे दिमाग में आया एक दिन, बैठे बैठे मेरे दिमाग में आया, नहीं मुझे तो वेट लूज़ करना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। जब आप अपने दिमाग में सोच लेंगी ना ये बात कि आपको तो वेट लूज़ करना ही करना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको वेट लूज़ करने से नहीं रोक सकती। हाँ, जब आप अपने दिमाग में सोचेंगे कुछ भी कर लो होता ही नहीं है, तो फिर वो नहीं होगा। सब यहाँ का गेम होता है, सब माइंड गेम होता है। बस दिमाग में फैसला कर लें कि आज से ही मुझे वेट लूज़ करना है, तो करना है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, सब कॉपी पेंसिल लेके मेरे साथ बैठ जाएं और मैं आपको बताने लगी हूँ, विदाउट एक्सरसाइज, विदाउट जिम गए हुए, आप घर में रह के छोटी छोटी बातों पर अमल कर लो, वेट लूज़ हो जाएगा। और एक महीने की मेरी गारंटी है, 5 kg ना गिरा तो फिर बोलना। हाँ, शर्त यह है कि अमल करना ज़रूरी है, सही है। तो सबसे पहला स्टेप करते हैं, इनहेल और एक्सहेल। जब भी आप रात को बेड पर सोने के लिए जाएं, जब आप बेड पर सोने के लिए चली गई और आपको सुबह उठना है, तो डेली एक्सरसाइज बना लें कि आपको 5 times इनहेल करना है रात बेड पर सोने से पहले। 5 times इनहेल और एक्सहेल करना है। फिर जब आप सुबह सोकर उठेंगी, तो फिर आपको 5 times इनहेल और एक्सहेल करना है। कैसे? ऐसे सांस अंदर की तरफ लेंगे और उसको बाहर निकालेंगे, ऐसे सांस जो है अपने अंदर की तरफ लेनी है, फिर उसको एक्सहेल करना है, सही है। इनहेल एंड एक्सहेल प्रोसेस है, ऐसे फिर रिलीज। इस तरह 5 times आपने रात को बेड पे सोने से पहले करना है, और 5 times आपने बेड पे जब आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठें, तो एकदम से उठ के मत खड़ी हो जाएगा। जब आप अर्ली मॉर्निंग उठें, तो आपने जो है ना 5 times ही एक्सरसाइज करनी है, इनहेल और एक्सहेल की। इससे क्या होगा, जो आपका बड़ा हुआ पेट है, एक्स्ट्रा चर्बी है जो जम जाती है हमारे पेट में, इनहेल और एक्सहेल करने से वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और आपका पेट एक महीने के अंदर 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 चला जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको जो है ना इस पर अमल करना लाजमी, सिर्फ सुनना नहीं है, अमल भी करना है। तो चलें अभी से शुरू हो जाए, मेरे साथ प्रैक्टिस करें, इस तरह से करेंगे। सांस अंदर लेंगे और फिर सांस बाहर निकालेंगे, सही है। आपने दिन में लाजमी करना है, ठीक है। इनहेल और एक्सहेल दिन में नहीं, सॉरी, बेड पर सोने जब जाएंगी जब, और लिखने अपने पास, और जब आप सुबह सोकर उठेंगी जब। अच्छा जी, ये हो गया इनहेल और एक्सहेल का प्रोसेस। नेक्स्ट आ जाते हैं वॉक। वॉक आपने मॉर्निंग वॉक लाजमी करनी है। अगर पार्क नहीं जा सकती सुबह में, कोई मसला है पार्क जाने में, तो अपने घर में ही वॉक करें, एटलीस्ट 10 chakkar लगाएं। 30 से 35 minutes अपने घर में स्पेस नहीं है, घर में जगह नहीं है, कॉरिडोर में वॉक करें।
बाहर चली जाएं, बाहर वॉक करें, अपने फ्लैट्स हैं या आप रहती हैं या आप किसी घर में रहती हैं तो बाहर का एरिया होता है, वहाँ पे अपनी हैबिट बना लें कि आपने 35 मिनट्स लाजमी लाजमी वॉक करनी है सुबह सोकर उठने से पहले। सही है? ओ सॉरी, सुबह सो के उठने के बाद जो है ना आपने 35 मिनट्स डेली वॉक करनी है, इसको स्किप नहीं करना है। जब आप वॉक करके आ जाएंगे मॉर्निंग वॉक से, फिर आपने 30 मिनट्स का गैप देना है। 30 मिनट्स तक आपने कुछ भी खाना पीना नहीं है। 30 मिनट्स के बाद आपने नाश्ता करना है। नाश्ता भी पराठे शराठे नहीं खाना शुरू हो जाएगा कि वॉक करके आई है भाई, मैंने तो वॉक कर ली, अब मैं कुछ भी खाऊँ मेरा तो वेट बढ़ेगा नहीं, ये सब नहीं चलेगा। चाहिए बस 2 स्लाइसेस ब्रेड की, और अंडा भी खाएंगी तो वाइट जर्दी वाला, येलो जर्दी वाला आप अंडा नहीं खाएंगी। सही है? एंड डाइट में भी थोड़ा ख्याल करना, ये नहीं कि बस ऐसी कर रही हैं तो बस क्या बोल दिया कि नहीं भाई तो मैं बिरयानियाँ खाऊंगी, मैं तो कोरमे खाऊंगी, मेरा तो काम हो गया, मैंने तो अपना काम कर दिया, अब मेरी जो मर्जी आएगी वो मैं खाती रहूँगी। ठीक। और रात को सोने से पहले लाजमी लाजमी रात को सोने से पहले अपनी हैबिट बना लें, आपने ग्रीन टी पीकर सोना है। सुस्ती आती है, सारे कामों से दिन भर थक जाती हैं, नहीं बनती ग्रीन टी, तो आप क्या करें, बस अपना एक पॉट अलग कर दें, उसमें थोड़ा सा पानी चढ़ाएं, अगर ग्रीन टी नहीं है तो लेमन डाल दें उसके अंदर, और दालचीनी डाल दें, दालचीनी को बॉईल करके पिएं, जीरे का पानी पिएं, तो ये लाजमी आपने मतलब गरम कहवा वगैरह आपने ज़रूर पीना है, क्योंकि अपने फैट्स को आपने बर्न करना है। ठीक हो गया। अच्छा, केविंग उठती है, घर में कभी खाना बना हुआ होता है, दिल नहीं चाहता भाई, हमें तो पिज़्ज़ा खाने की आदत है, हमें तो फ्राइज़ खाने की आदत है, हमें तो बर्गर खाने की आदत है, क्रेविंग उठती है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही स्किप कर देंगी पिज़्ज़ा बर्गर, इट इज़ इम्पॉसिबल। क्रेविंग उठती है, हाफ क्वार्टर पीस खा लें, एक पीस उठा के खा लें कि जिससे आपकी क्रेविंग ख़त्म हो जाए, यानी कि पूरा पिज़्ज़ा गल खाना शुरू कर दिया, अभी मैंने तो वॉक भी कर ली, मैंने तो कहवा भी पी लिया, अब मुझे कोई फैट्स अटैक नहीं कर सकते। नो, डाइट में भी प्रॉपर ख्याल करना है। ठीक है, क्रेविंग उठ रही है, बहुत दिल चाह रहा है बर्गर का, आधा पीस खा लें, फ्राइज़ खाने हैं, बड़ा डब्बा नहीं खाएं, छोटा सा डिब्बा खा लें, पिज़्ज़ा खाना है, पूरे स्लाइसेस नहीं खाएं, उसकी आधी स्लाइस खा लें, तो इससे क्या होगा, आपकी क्रेविंग ख़त्म हो जाएगी। बहुत ज़्यादा जंक फूड अवॉइड करें, जंक फूड करें मतलब बहुत ज़्यादा मत खाएं। सही है? अगर आपने एक टाइम जंक फूड खा लिया तो दूसरे टाइम का खाना स्किप कर दें, दूसरे टाइम का खाना नहीं खाना है। सही है? इस तरह बैलेंस हो जाएगा। दिन में जो है ना एक्सरसाइज, ये नहीं कि आप पूरा 7 दिन लगी हुई हैं, पूरे 7 दिन तक यूँ भाग रही हैं, दौड़ रही हैं, नहीं, एक्सरसाइज पूरे 7 दिन नहीं करनी, दिन में सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 बार करनी है एक्सरसाइज, ये माइंड में रख लें। ये नहीं कि आप कहें मैं तो एक्सरसाइज करूँगी और मेरा वेट लूज़ हो जाएगा, नहीं, आप अगर पूरे 7 दिन एक्सरसाइज करेंगे तो आपका वेट स्टक हो जाएगा, वो नहीं लूज़ होगा, आपकी बॉडी को थोड़ी स्ट्रेचिंग चाहिए होती है, उसके लिए आपने एक्सरसाइज पूरे 7 दिन नहीं करनी, एक्सरसाइज वीक में सिर्फ 3 से 4 बार एक्सरसाइज करनी है। दोबारा बता रही हूँ, सिर्फ 3 से 4 बार एक्सरसाइज करनी है, बाकी अपनी वॉक डेली रखें, अपनी जो डाइट है वो डेली रखें, और गरम कहवा पिएं और ग्रीन टी पिएं, इस तरह की डाइट लें, और एक्सरसाइज जो है पूरे 7 दिन नहीं करनी है आपने। अगर आप ऐसा करती हैं तो आप यकीन जाने 1 मंथ के अंदर अंदर आपका 5 kg लूज़ होगा ही होगा, सिर्फ इन चीज़ों पर स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो करना है। अच्छा, कुछ लेडीज़ को जो है प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो जाती है, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको बार बार जो है भूख लग रही होती है, बार बार क्रेविंग उठती है, कभी कुछ खाने की कभी कुछ खाने की, जिसकी वजह से उनका वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है। तो खाएं, खाना अच्छा है, प्रेगनेंसी में लोग वेट गेन करते हैं, लेकिन साथ साथ जो है वो कहवा भी पिएं, वॉक करें, स्लोली स्लोली वॉक करें, तेज़ तेज़ वॉक नहीं करनी है, और एक्टिव रहें, अपने आप को ढीला ढाला ना छोड़ें, क्योंकि मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, बेड पर पड़ी हूँ, तो ऐसा हरगिज ना करें, अपने आप को एक्टिविटी में रखें, एक्टिव रहें, इससे जो है वो आपकी बॉडी पे फैट्स जमना शुरू नहीं होगा। अच्छा, आफ्टर डिलीवरी में
जो है वो बतीसा, जो हमारी पुरानी वगैरह बनाती थी बतीसा, आजकल लड़कियां नहीं खाती हैं। तो जब आपकी डिलीवरी हो जाए तो उसके बाद बतीसा ज़रूर लें, ये आपकी बॉडी को चुस्त और दवाना रखता है। और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, खुश्क मेवा जात होता है, सब कुछ होता है, तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। इसके खाने से, जो हमारे बड़े बूढ़े कहते थे, इसके खाने से हमारे हमें दर्द नहीं होता, हमारे जो कॉमन मसला है कमर का दर्द, पैर का दर्द, तो इस टाइप के दर्द हमें नहीं होते जो आजकल की लड़कियों ने बतीसा खाना छोड़ दिया है। तो जब भी आपकी डिलीवरी हो जाए, आफ्टर डिलीवरी जो है ना, वो आपने लाजमी लाजमी जो है वो बतीसा खाना है, उसको स्किप नहीं करेंगी, ठीक हो गया। अच्छा, कहवा पीना है, कहवा लाजमी पीना है आफ्टर डिलीवरी, कहवा पिएँ, यखनी पिएँ, गरम गरम यखनी होती है वो पिएँ, तो उससे आपकी बॉडी में फैट जमना नहीं स्टार्ट होगा। आफ्टर डिलीवरी लड़कियों का बहुत तेज़ी से वज़न बढ़ जाता है, क्योंकि वो अपने आप को ढीला ढाला छोड़ देती हैं कि नहीं भाई हमारी तो डिलीवरी हुई भी है, अब हम ये नहीं कर सकते, हम यूँ नहीं उठ सकते। उससे क्या होता है, वो जो फैट्स होते हैं ना, एक्स्ट्रा फैट्स, वो आपकी बॉडी में जगह बना के बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको मोटापा चढ़ना शुरू हो जाता है। तो बतीसा लाजमी खाएँ आफ्टर डिलीवरी, और कहवा पिएँ, यखनी गरम गरम पिएँ, ज़ीरे का पानी बॉईल करके पिएँ, गरम कर लें ज़ीरे का पानी, वो पिएँ। तो वॉक करें, स्लोली स्लोली करें, ज़्यादा नहीं, स्लोली स्लोली करें। मतलब आपकी जाहिर सी वजह वो डिलीवरी वगैरह हुई भी है, तो जितना स्लो स्लो बेड से उठें, किचन तक राउंड मार लें, ड्राइंग रूम तक राउंड मार लें, इस कमरे में चली गई, उस कमरे में चली गई, तो ये भी आपकी वॉक हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा 40 दिन के बाद जब आपका सवा महीना हो जाएगा, उसके बाद आप डाइट शुरू करेंगी, सही है। आफ्टर डिलीवरी आपने डाइट स्टार्ट नहीं करनी है, सारी जो आफ्टर डिलीवरी की जो लड़कियां हैं, जो औरतें हैं, वो सुन लें, जब आपका सवा महीना कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो है ना, फिर आपने डाइट स्टार्ट करनी है, इससे पहले आप अपनी डाइट स्टार्ट नहीं करेंगी, ठीक है क्या। अच्छा जी, अगर आपको जंक फूड खाने का दिल चाह रहा है, खा लें, क्रेविंग होती है, रोक नहीं सकते, थोड़ा सा पीस खाना है, और नेक्स्ट मील जो है ना, आपने जो है वो स्किप कर देना है। आज से ही वॉक करना शुरू कर दें, सुस्ती छोड़ दें, दूसरों पे रख के डालना छोड़ दें, अपनी खामियों को दूसरों पे रख के करना छोड़ दें, अपने अंदर विल पावर ऐसी पैदा करें कि नहीं, आई कैन डू इट। जब आपके दिमाग में ये चीज़ आ जाएगी ना, आई कैन डू इट, सो यू कैन डू इट एंड यू कैन, तो आपने 20 केजीज अपना गिराना है, एक मंथ में 5 केजी ज़रूर गिरेगा, अगर आपने इन टिप्स पर मेरे अमल कर लिया है, ठीक हो गया। अच्छा जी, कुछ लड़कियां कहती हैं कि नहीं भाई हम मोटी सही हैं, हम सही हैं, और इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मोटापा कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन इससे जो बीमारियां फैलती हैं ना, जो फैट्स हमारे हार्ट पर जम जाता है, जो हमारी बॉडी पर जम जाता है, हमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला कर देता है ये फैट, तो ये चीज़ बुरी है। मोटापा बुरा नहीं है, लेकिन जो फैट जो हमारी जो बॉडी को डैमेज कर रहा होता है, वो चीज़ बुरी है, तो उस फैट को हमें निकालना होता है, सही है। अच्छा जी, थोड़ा थोड़ा करके वॉक करना स्टार्ट करें, ग्रीन टी पिएं, और इनहेल एक्सहेल का प्रोसेस करें, वॉक डेली करनी है आपने लाजमी, सही, और सुस्ती छोड़ दें बिल्कुल। मैं फिर से बता रही हूँ, दूसरों पे रख के डालना छोड़ दें, ये आपकी अपनी सुस्ती होती है, आप सब कर सकती हैं, लेकिन ये आपकी अपने अंदर की सुस्ती होती है। तो जीस ना पिएं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये सब अवॉइड कर दें, इसमें हाई और शुगर होती है कोल्ड ड्रिंक्स में, और ये आपका जो मोटापा है वो बहुत तेज़ी से गेन होता है। हाई मतलब हम लोग जो है ना इस सोसाइटी में रह रहे हैं कि हमारा कोल्ड ड्रिंक के बगैर गुजारा नहीं होता, लेकिन हमें अपने मुंह पर, मैंने फिर बताया, लॉक लगाना पड़ेगा अगर हमें स्मार्टनेस चाहिए है, ठीक हो गया है। तो कोल्ड ड्रिंक को बोलते हैं बाय बाय, कोई पी भी रहा हो ना, पीने दें, इधर मुंह कर लें, उसको देख के ना दिल चाहता है कि नहीं हम एक गिलास तो पी लें, आधा गिलास तो पी लें, उधर मुंह कर लें, पानी पी लें, जूस पी लें, फ्रेश जूसेस आते हैं, फ्रेश जूस पी लें, लेकिन कोल्ड ड्रिंक ना पिएं, कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड करें, ये बहुत स्पीड स्केल में आपका मोटापा बढ़ाता है, क्योंकि इसमें हाई शुगर होती है, ठीक हो गया है। गर्म पानी पिएं, ठंडा पानी नहीं पिएं, ज़ीरे वाला पानी पिएं, दालचीनी वाला पानी पिएं, कहवा पी लें, इस तरह की गरम 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 जो मशरूबात होते हैं वो ज़्यादा लें, ठीक हो गया है। और बस आपने जो है ना इस मेरे डाइट प्लान पे अमल करना है, ये सब
जो मैं आपको बातें बता रही हूँ ना, ये सब मैंने किया हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 85 से भी किबेट पास कर रहा था। मैं आपको अपनी पिक्चर शेयर करूँगी, आपको यकीन नहीं आएगा ये मैं हूँ। और मैं खुद, मुझे अपने आप को देखने का दिल नहीं चाहता था, मुझे कपड़े नहीं आते थे, मैं बहुत परेशान हो गई थी क्या करूँ। तो जब से मैंने यहाँ पे लॉक लगाना शुरू किया ना, तो काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी आसान हो गई। तो जी, आपने जो है ना बस इन टिप्स पर अमल करना है, बस मैंने इन टिप्स को फॉलो किया है। मैं ना एक्सरसाइज करती हूँ, एक्सरसाइज बस दिन में वीक में 3 से 4 बार या कभी 2 बार ना। मैं कभी किसी जिम गई, ये मैंने सब घर में ही इन सब चीज़ों पर अमल करके अपने मोटापे को कम किया है। आप भी कर सकती हैं, मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकती हैं। बस सिर्फ माइंड का गेम है, दिमाग में सोचना है मुझे वेट कम करना है तो करना है, और आप कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक हो गया, वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी टिप्स अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और आज से ही इन टिप्स पर अमल करना शुरू कर दें। कॉपी पेंसिल पे लिख लें कि मुझे ये करने हैं पॉइंट्स, वॉक, इनहेल, एक्सहेल, गर्म पानी, एक्सरसाइज, ये सब। और डाइट में जो है मुझे कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी, मुझे जंक फूड कम से कम खाना है। जब आप ये सब लिख लेंगी ना, और जब इस पर आप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट हो जाएंगी, तो 101% आपका वेट तेज़ी से गिरना शुरू हो जाएगा। तो आज से ही स्टार्ट कर दें इस पर अमल करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी अगली वीडियो का वेट करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टाटा बाय।